आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में, जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं। करीब 5000 साल पुरानी परंपरा आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। इसका उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन करना है और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना है। वैदिक काल से ही भारत में तकरीबन सभी बीमारियों के इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही किया जा रहा है। आयुर्वेद में विभिन्न जड़ी बूटियों से मेडिसिन तैयार की जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी सभी किस्म की मानसिक और शारीरिक बीमारियों के सफल इलाज के लिए आयुर्वेद को माना है और इसे 1976 में मान्यता दी है। पिछले कुछ वर्षों में और स्पेशली इस कोविड में लोगों ने ये देख लिया है कि इंग्लिश दवाओं की भी अपनी एक सीमा है। आयुर्वेदिक दवाइयों के असर और जीरो साइड इफेक्ट ने लोगों को इसका दीवाना बना दिया है। आयुर्वेद में लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो अब तो ये निश्चित है कि इंडिया में आयुर्वेद का भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। भारत सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए ही 2014 में अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया था, जो प्राचीन उपचार पद्धति योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी को भी प्रोत्साहित करता है। महामारी से जंग में भी आयुष मंत्रालय की ओर से एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ योग, प्राणायाम, काढ़े के नुस्खे, भाप लेने के फायदे और आयुर्वेदिक औषधियों पर काफी जोर रहा। इसके अलावा जो कि सबसे जरूरी है वो ये है कि सरकार द्वारा आयुर्वेद की एजुकेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए 4 साल पहले देश को एम्स जैसा पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली समर्पित किया गया, जहां आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हो रहा है। वैसे प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि देश के हर जिले में आयुर्वेद से जुड़ा अस्पताल हो, इस दिशा में उनकी सरकार काम कर रही है। आज निजी अस्पतालों में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की मांग देखी जा रही है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पतंजलि, वैद्यनाथ, हमदर्द, डाबर, हिमालय जैसी तमाम कंपनियां बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जा रहा है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको इस फील्ड के बारे में पता चल सके कि ये फील्ड कितनी बड़ी है। 2021 में आयुर्वेद का मार्केट इंडिया में 50,000 करोड़ पार कर चुका है। कुल मिलाकर आयुर्वेद में अवसरों की कमी नहीं है। तो अगर आपका भी आयुर्वेद के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप भी अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अब करियर बनाने के लिए क्या करें, कौन सा कोर्स करें, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, उसके बाद जॉब का क्या ऑप्शन होगा, इसमें बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, सैलरी क्या रहती है, वो सब डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। करियर इन आयुर्वेद। आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को हजारों साल पुरानी चिकित्सा परंपरा की शिक्षा दी जाती है। इंडिया में तो आयुर्वेद में करियर की डिमांड है ही, बल्कि विदेशों में भी इसकी जबरदस्त मांग है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास की होनी चाहिए। इसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि BA MS, जो कि 12th के बाद होता है, वो कर सकते हैं। BA MS के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले ही बना रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए आपको यही कोर्स करना होता है। इसका लिंक मैं मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे MBA, MD, MS इन आयुर्वेद, जो कि आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, और इसके अलावा आप हायर एजुकेशन के लिए MPhil या PhD की डिग्री भी ले सकते हैं। आप अपनी रुचि और जरूरत के मुताबिक आयुर्वेद में फुल टाइम, पार्ट टाइम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की अवधि के होते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये सब कोर्स आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज, ग्रेजुएशन लेवल कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स एंड PhD लेवल कोर्स की डिटेल्स दी हैं। जैसा आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में पढ़ाई करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले है आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए BA MS डिग्री हासिल करना जरूरी है। डिग्री मिलने के बाद भारत या दुनिया भर में कहीं पर भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस की जा सकती है। डॉक्टर के तौर पर आप अपना प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल क्लिनिक शुरू कर सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। हीलिंग थेरेपिस्ट बनना। आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों के बारे में ही नहीं, बल्कि यह एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में है। इसमें आप एक योगा टीचर, मसाज थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट,
एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट या फिर हर्बलिस्ट भी बन सकते हैं। आज के समय में आयुर्वेद की पॉपुलरिटी देश के साथ साथ यूके यूएस में भी योग टीचर और आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट की मांग बढ़ रही है। इसीलिए ऑप्शन को अपनाना न केवल करियर के लिहाज से शानदार है बल्कि कमाई का भी अच्छा जरिया है। अपना बिजनेस करना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिमांड आज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिल ही जाएगा क्योंकि ये सेफ होता है और इंग्लिश दवाइयों की तरह केमिकल से तैयार नहीं किया जाता। इसमें एजुकेशन के बाद आप अपने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है या डेली यूज का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। हेल्थ और वेलनेस प्रोफेशनल, आयुर्वेद में आज जिन प्रोफेशनल की सबसे ज्यादा डिमांड है वह है आयुर्वेदिक हेल्थ और वेलनेस। ये प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं और लोगों को डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देते हैं और हेल्दी जीवन जीने में मदद करते हैं। इसमें आप हॉस्पिटल में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में जॉब से लेकर कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूट में सेशन लेकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बन सकते हैं शिक्षक या निर्देशक। आप आयुर्वेद में हायर एजुकेशन लेकर टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं एंड स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में कहां कहां है रोजगार की संभावनाएं। अगर देखा जाए तो पहले आयुर्वेद में डॉक्टरों के लिए भारत में बहुत ही कम ऑप्शन होते थे, लेकिन आज न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में भी ऐसे कई फील्ड हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के संस्थान हैं जहां पर आयुर्वेद में एजुकेशन के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आयुर्वेद का फील्ड कितना बड़ा हो चुका है और जाहिर है कि इसमें करियर के लिए कितनी ज्यादा ऑप्शंस हैं। भारत में आयुर्वेद के कॉलेज, सबसे जरूरी ये होता है कि आप कोर्स कहां से कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि अब इंडिया में ऐसे कई कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं जहां आयुर्वेद की अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। यहां पर मैं काफी कॉलेज की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर मैं कॉलेज के नाम के साथ साथ उनकी लोकेशन एंड वेबसाइट भी आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिससे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने में आपको आसानी रहे। आयुर्वेद में कितना मिलता है वेतन। बीए एमएस डिग्री वाले उम्मीदवार को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सरकारी में वेतन 20,000 से 50,000 रुपए पर मंथ हो सकता है, वहीं प्राइवेट में आपकी कमाई आपकी काबिलियत पर निर्भर करती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के टैलेंट, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक सैलरी पैकेज दिया जाता है। वहीं आज विदेशों में आयुर्वेद की काफी मांग है और आप एक्सपीरियंस लेकर विदेश में भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी जानकारी आपके काम आए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।